थारे भाई मत पूछो यार, पूरी फिल्म बोर थी, मैं इंटरवल में ही सो गया। उसके बाद मैं सोचा फिल्म आधी कट कर दी, लेकिन यार भाई पैसे दिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी। आप इस पूरी फिल्म को 5 में से कितना देना चाहोगे? 0 यार, ये फिल्म स्टार के लायक ही नहीं, तो मैं इसको क्या कहना चाहूँगा। पिक्चर पूरी तरीके से आपको बोरिंग लगी? पूरी बोरिंग है। कहानी कुछ समझ में आई? बिल्कुल नहीं। फिर आप आधी छोड़कर फिल्म आ गए हो? आधी छोड़ के आ गया। अरे भाई मत पूछो यार, पूरी फिल्म बोर थी, मैं इंटरवल में ही सो गया। उसके बाद मैं सोचा फिल्म आधी कट कर दी, लेकिन यार भाई पैसे दिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी, इसलिए देख ली। बहुत बकवास थी, आधे इसमें ही सो गया। आधे इसमें सो गए? हाँ। किसके साथ आए थे भाई आप लोग? दोस्त लोग के साथ। दोस्त लोग भी क्या बोले? दोस्त लोग भी आधे जन चले गए पिक्चर देख के, आधे जन देख रहे थे। सॉन्ग थर्ड क्लास थे। और पूरी पिक्चर की बात करूँ कहानी की, तो कहानी कैसी थी? वो कहानी स्टूडेंट्स पे थी, और वो फर्री पिक्चर, मतलब ऐसा तो बोलने जाओ तो चीटिंग के ऊपर थी, आधे कहानी बराबर नहीं थी। फिल्म को बनाने की बहुत अच्छी कोशिश की गई है कि हम इसको एक हद तक अच्छी कहानी दे पाए, लेकिन भाई कहानी उतनी जस्टिस रिलेट नहीं कर पाई, क्योंकि इन्हीं दिनों 12th फेल आई थी विक्रांत मेसी जी की, जिनका फिल्म का नाम था 12th फेल। वहाँ दिखाया गया था कि भाई किस तरीके से चीटिंग करने से एक इंसान के जीवन पे परिणाम पड़ता है, और उस परिणाम के बाद वो इंसान किस तरीके के कदम लेता है। हाँ, एक्ट्रेस की बात करूँ तो रोनीत रॉय एक बहुत ही उम्दा कलाकार है, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता ही है। लेकिन अगर ओवरऑल फिल्म की बात करूँ तो फिल्म उस तरीके से कहानी को जस्टिस दे नहीं पाई जिसके ऊपर एक कहानी बनी गई थी, क्योंकि फर्रे एक ऐसी कहानी है जो लाखों विद्यार्थियों के दिल और मन से जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं कहानी उतनी स्ट्रांग नहीं रह पाई और ऑडियंस के दिल को छू नहीं पाई। आजकल कॉलेज में चीटिंग होती है, ये लोग सिखाते हैं, मैसेज गलत जा रहे हैं। पिक्चर बहुत अच्छी बनी लेकिन मैसेज इतना गलत है कि आप चीटिंग करना सिखाते हो। जो भी मतलब नए रॉन्ग करते हैं फिर बाद में सुधर जाते हैं, इसमें से ये अच्छा सीख मिलता है कि लास्ट में रियलाइज करते हैं कि इट वाज रॉन्ग व्हाट एवर दे डिड। कॉपी करवाते हैं ना वो लोग, तो इन दैट लास्ट शी अंडरस्टैंड इट्स रॉन्ग थिंग, यही सीख है। बात करो अगर गानों की, तो फिल्म के गाने कैसे लगे? गाने भी अच्छे थे। सॉन्ग के बारे में बात करो तो यार फरे जैसे फिल्मों में कहानी स्टूडेंट्स की है, तो कहीं ना कहीं गाने भी स्टूडेंट्स के ऊपर ही होने चाहिए, और वैसे गाने होने चाहिए, लेकिन फिल्म कहीं और भागती है और गाने कहीं और भागते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कहानी और गाने साथ चलते तो फिल्म लोगों को शायद और गाने भी पसंद आ पाते। जबकि अभी के जनरेशन की पिक्चर है, जो बड़े बड़े कॉलेज में लोग पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग, उसमें गरीब बच्चे भी जाते हैं। जो गरीब बच्चा जो बताए ये अलीजा अग्निहोत्री इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत आगे है, बाकी उसके फ्रेंड्स जो थोड़े कमज़ोर है उनको पढ़ना चाहिए था और नहीं पढ़ पाते, और ये ज़्यादा पढ़ती है। तो वहाँ पर मतलब कुछ मतलब चीटिंग जो आजकल कॉलेज में चीटिंग होते ये लोग सिखाते हैं, मैसेज गलत जा रहा है। पिक्चर बहुत अच्छी बनी लेकिन मैसेज इतना गलत है कि आप चीटिंग करना सिखाते हो। यहाँ से लेकर वो फॉरेन जाते हैं, इनको कुछ हायर करते, मतलब आपको 50 लाख रुपया दिया जाएगा, आप वहाँ जाइए और वहाँ से हमें कैसे चीटिंग करते हैं हमें इंडिया में बताए। तो ये थोड़ा मतलब मैसेज गलत लगा कि पिक्चर पूरा चीटिंग ही बताया ना, कहानी इतनी अच्छी है तो कुछ क्लाइमेक्स चेंज होना चाहिए था ना। क्लाइमेक्स में इतना ही चेंज हो गया कि उसको बताया पिताजी मैंने बहुत सारी गलती की है, अब ये नहीं करना चाहती हूँ, खुद फिर वो पढ़ने जाती, वही मैसेज है। बाकी मैसेज थोड़ा गलत जा रहा है, और अच्छा होना चाहिए था। ठीक है, ये दोनों गरीब है तो गरीब वालों को गुनाह तो नहीं है। जब उसकी जो हीरो की जो दूसरा लड़का घूम रहा है बाल वाले, उसकी मम्मी स्त्री करती है, स्त्री धंधा है, तो वहाँ एक आदमी कच्चा बना के भड़क जाता है, तो कपड़े जल्दी दो मुझे, तो बेटा सुन लेता, बोले ये इतना क्यों बकवास कर रहा है, मतलब हम गरीब है ना क्या करें, हमारी औकात ही नहीं बोलने की, इनके पैसे से हमारा घर चलता है। तो उस वजह से उसको थोड़ा हर्ट हो जाता है, उस वजह से लोग चीटिंग करते फिर पैसे कमाने के लिए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है सर फिल्म और थोड़ी अच्छी बनानी चाहिए थी? पिक्चर और अच्छी बनानी चाहिए थी, जैसे 12th फेल, तो ये भी एक पिक्चर है ना, छोटी पिक्चर सुपर हिट हो गई, ये भी पिक्चर अच्छी है, लेकिन ये अभी जैसे मेरे जैसे लोग हैं उम्र वाले लोग उनको नहीं अच्छी लगी, अभी की जनरेशन की पिक्चर है उनको अच्छी लगी। एज लिमिट आता है? यस, ऑल लिमिट के लिए नहीं है? नहीं नहीं, ऑल लिमिट के लिए एज लिमिट ही आता है इसमें, तो ऑडियंस को खुश नहीं करता, इतनी खुश नहीं पाएगी। उसमें कोई बोल्ड सीन या कोई कुछ भी नहीं है, पूरी फिल्म स्टार्ट टू एंड सिर्फ कॉलेज में है, हमको पसंद नहीं आया। कहने का थोड़ी बहुत बोरिंग भी हो जाती, थोड़ी मतलब ऊपर नीचे होती है, हालांकि पिक्चर बहुत छोटी है, पिक्चर चलनी चाहिए ऐसी पिक्चर है क्योंकि अलग है, कोई मसाला फिल्म नहीं, अलग फिल्म है। फिर भी इसको 5 में से आप कितना रेट करेंगे? मैं तो बोला पिक्चर अच्छी है, 5 में 3.5 तक दे सकता हूँ।